चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर भोपाल से हमें मिल रही है। प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी का दौर जारी है, बारिश से तापमान में गिरावट आई है। रात का तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी का दौर जारी है, बारिश से तापमान में गिरावट भी आई है। रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी का दौर हम देख रहे हैं, पिछले 2 दिनों से जारी है और तापमान में भी अब गिरावट आ गई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों से हल्की बारिश का दौर जारी है और बादल छाए हुए हैं। दरअसल गुजरात और अरब सागर के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र का ये असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जैसे ही मौसम वैज्ञानिक ने एक दिन पहले ही पूर्वानुमान जारी किया था कि मध्य प्रदेश में आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह का माहौल मौसम देखने को मिलेगा, हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। इन सबके बीच में आज सुबह विजिबिलिटी 1000 मीटर की रही है और आने वाला 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि इसी तरह से मौसम रहेगा। चूंकि उत्तर में, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में जो बर्फबारी हुई है, अब इसका असर भी यदि उत्तर से दक्षिण की ओर देखने को मिला तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। पूनम जी, आशीष जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो है, भोपाल समेत प्रदेश के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई है, पिछले 2 दिनों से हल्की बारिश का दौर जारी है और अब तापमान में भी गिरावट आई है। 15 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, तो आगे अब ठंड और बढ़ सकती है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी।